देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ लेटस चिकन रैप। ये बहुत ही यम्मी होता है और ये बहुत ही क्विकली बन जाता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इस स्नैक्स को डेफिनेटली सर्व कर सकते हो, या अगर आपको शाम की भूख सताए तो भी आप ये स्नैक्स बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम आज बनाते हैं लेटस चिकन रैप्स। यहाँ हमने फ्राइंग पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और पैन को हमें गरम कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और तेल को हमें गरम कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, या आप कह सकते हो 1.5 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। अब गार्लिक को हमें 5 to 6 seconds के लिए फ्राई कर लेना है। इसे ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करें, बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 medium size फाइनली चॉप्ड अनियन। अब अनियन को हमें 30 to 40 seconds के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में हल्का सा सौते कर लेना है। अनियन को हमने हल्का सा सौते कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स चिकन कीमा। अब चिकन कीमा को हमें अनियन और गार्लिक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। नमक इसलिए मैं इसमें कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड करना होगा, और जिसमें पहले से ही नमक रहता है। अब इस चिकन कीमा को हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, चिकन कीमा का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि हमें चिकन को इस लेवल तक ही फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बिल्कुल फाइनली चॉप्ड बेबी कॉर्न। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 कप फाइनली चॉप्ड बटन मशरूम। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल 1/2 कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। मैंने यहाँ पर रेड और येलो कैप्सिकम का यूज़ किया है क्योंकि इसका फ्लेवर और टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास रेड और येलो कैप्सिकम अगर नहीं है तो आप इसके अल्टरनेट ग्रीन कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं ये फिलिंग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास लेटस लीफ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर आपके पास लेटस लीफ अगर कम है तो आप फिलिंग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के इक्विवेलेंट क्रश्ड ब्लैक पेपर कॉर्न्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल हाई ही रहना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। इससे टेस्ट जो है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अब इसे हमें 2 to 3 मिनट्स तक फ्राई करना है। तब तक इससे जो ऑयल जो है सेपरेट होने लगेगा, तब आप समझ जाएगा कि आपका ये जो फिलिंग है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस बीच इसमें 2 टीस्पून विनेगर ऐड किया था जो कि कुछ रीजन के लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो इसमें आप 2 टीस्पून विनेगर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमें इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इस मिक्सचर को 3 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस फिलिंग से जो है ऑयल सेपरेट होने लगी है, यानी कि ये बिल्कुल अब रेडी है। तब हमें इस फिलिंग को एक ड्राई बोल में या फिर प्लेट में उतार लेना है। अब इस लेटस चिकन रैप के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिप बनाने वाले हैं। तो मैं एक ड्राई बोल में 3 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। इसमें 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके लिया हुआ है, इसे मैंने इस सॉस में ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर सेसमे ऑयल अगर ऐड करना चाहते हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था सोया सॉस में नमक ऑलरेडी रहता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा ये डिप बिल्कुल रेडी।
अब मैं एक प्लेट के साइड में रख रही हूँ लेटस लीव्स। मैं इस लेटस लीफ को थोड़ा सा गर्म पानी में मैं धो के रख रही हूँ। अगर आप इसे अगर नॉर्मल ठंडे पानी से धो के अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 आइसबर्ग लेटस का यूज़ किया है। अब इसके बिल्कुल साइड में मैं सर्व कर रही हूँ ये मेरा चिकन का फिलिंग। अब मैं इसका रैप बना के आपको दिखा रही हूँ। तो एक लेटस के पत्ते को ले लेंगे और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पत्ते में 1 चम्मच ये फिलिंग को डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे जरा सा ये डिप। अब इसे अच्छी तरह से हम रैप कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं सेजवान सॉस के साथ। अगर आप चाहो तो सेजवान सॉस का यूज़ कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी तरह से हम सारे पत्तों का रैप बना के ही सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, लेटस चिकन रैप। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।